नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार जो चीज है आपका एक वोट है, और उस वोट का दुरुपयोग लोकतंत्र के रक्षक ही के द्वारा ही भक्षण किया जाने लगा या लग रहा है। तो क्या आप लोकतांत्रिक देश में है, ये आपको मंथन करना चाहिए। अपने दोस्तों में बात कीजिए, अपने घर सहयोगी बच्चे सब में ये बात बताइए कि क्या आपका अधिकार क्या है। आप मेरा तो उद्देश्य है कि विधि किनारे से जो चैनल है, जो समाज में घटनाएं हो रही है उसको मैं अपने आपके संविधान आईपीसी सीआरपीसी में क्या क्या उससे जोड़ कर मैं बताऊं कि आप उससे अवगत हों कि आपके लिए कानून क्या है। लेकिन ये उससे भी बढ़ के चीज है कि आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है इसको भी कहीं मारा जा रहा है कुछ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, जैसे अनिल मसीह द्वारा। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव में क्या हुआ देखे आप, उनके द्वारा जो वैध मत को अवैध घोषित या वैध मत को अवैध बनाया जा रहा था, और ये जब वीडियो वायरल हुआ तब ये पता चला कि ये ऐसी घटना हुई है। अगर वीडियो वायरल नहीं हुई होती और डायरेक्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया होता तो फिर इसमें कुछ आपको पता नहीं चलता कि क्या घटनाएं हुई, किसको आप वोट दिए, कौन आपके प्रतिनिधि चुने गए, ये भी पता नहीं चलता। इसलिए आप अपने अधिकार के प्रति पूरा जागरूक रहिए, जानिए कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, आपके लिए लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कानूनी पहलू क्या क्या है, जो विधि विधिवत क्या क्या देखा जा सकता है उस पे ये चर्चा की बात है, आप चर्चा कीजिए। और कृपया ऐसा वीडियो भी देखा कीजिए जो किसी पक्ष की बात ना करता हो, आपकी जानकारी की बात करती हो। हम बात करते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को क्या किया गया, नतीजे को रद्द कर दिया गया है और फिर से चुनाव नहीं कराया गया। फिर क्या किया गया कि उसी वोट को गिना गया, अनिल मसीह द्वारा जो क्रॉस किया गया था उसको सही करके गिना गया और विपक्षी पार्टी का फिर जीत हुआ है, यहां तक आप जानते थे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि अनिल मसीह क्या थे, वो एक रिटर्निंग अधिकारी थे, उनका अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है कि डायरेक्ट उसको अपने संज्ञान में ले लिया, ठीक। और दो तीन आईपीसी और सीआरपीसी को देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर पहले क्या क्या गलती किया, उनका क्या अधिकार है। पहले अनिल मसीह एक गलती किए, रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि वो जो भी मत पड़ा है या चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही मेयर का चुना जाता है, मेयर का चुनाव चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, ये तो आप जानते हैं। और वो प्रतिनिधि अपना वोट जो बैलेट पेपर पर दिए हैं तो उनमें रिटर्निंग ऑफिसर का काम है केवल देखना और उस पर अपना हस्ताक्षर करके आगे बढ़ा देना है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देखे होइएगा, उसमें क्या कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। मान लीजिए आपका वोट दिए हैं इसमें और उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया कि हम नहीं दिए, मैंने उसको अवैध घोषित कर दिया, जो कि टोटल था कितना, 36 वोट। 36 वोट में से विपक्षी दल का जो 8 वोट को वो अवैध कर दिए, जिसमें पक्ष दल वाले को बहुमत प्राप्त हो गया, ठीक। पहला गलती है किए। दूसरा कि वो रिटर्निंग ऑफिसर का मत पत्र जो है उस पर किसी प्रकार का न चिन्ह करेंगे न क्रॉस लगाएंगे, ये दो गलती किए। यह भी संज्ञान में कब आया, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब डायरेक्ट हस्तक्षेप किए तब ये मामला सामने आया। अब हम लोग इसके साथ दो तीन चीज जोड़ के देखते हैं, जैसे संविधान की पहले बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 आप देख किताब भी पढ़िएगा, मुझे जितना जानकारी हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है,
कि यह सर्वोच्च न्यायालय को दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। दो पक्ष के बीच अद्वितीय शक्ति है पूर्ण न्याय करने की सुप्रीम कोर्ट को, उसके तहत इसको लिया गया। और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं आईपीसी 193। आईपीसी 193 क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य से संबंधित यानी झूठा साक्ष्य दे रहे हैं तो ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है वो देख रहे थे कि ये गलत है कि सही, जबकि झूठ बोल रहे हैं पूरा, तो वो मिथ्या साक्ष्य दिए, उनके आईपीसी 193 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग सीआरपीसी 340 को भी देख ले रहे हैं, तो उसमें 340 क्या कहता है कि इस अगर कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है या गलत मानकर न्यायालय की स्थिति को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है वो भी दंडनीय अपराध है। इसमें आपको आईपीसी वाला में 3 साल की सजा भी है, आर्थिक दंड भी है, दोनों लगाया भी जा सकता है। सीआरपीसी जो आप 340 देखे ये भी साक्ष्य से संबंधित है। ये तो हो गया कि मेरे नजर से जो आया, मैं कोई ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप अपने देश के संविधान और कानून से अवगत हो। ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे भी मेरा वीडियो का रीच नहीं जा रहा है, व्यू भी नहीं आ रहा है। आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और व्यू बढ़ाइए कि मैं जो भी ये घटनाएं हो रही है, आपको चैनल पे क्या मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई एक दल का समर्थक है या कोई एक दल का विरोधी है, यही सारे चैनल भरे पड़े हैं। तो आप उससे बाहर निकलिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अपने से अपने देश के कानून की जानकारी रखिए। इतना ही के साथ फिर हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और एक माहौल बनाइए चर्चा का कि क्या कानून है, क्या गलती हुआ। इतना ही के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।